और खास तौर पे कि भारत में कौन कौन सी कुरीतियां चल रही हैं, ये कुरीतियां कब आई और इनका अस्थाई समाधान कब तक होगा। ये कोई पंथ का विषय नहीं है, ये कोई जाति का विषय नहीं है, ये इंसानियत का विषय है। अच्छा ये बताइए कि हिंदू मां के पेट में कितने साल रहता है और मुस्लिम मां के पेट में कितने साल रहता है? 9 महीने। यानी हिंदू भी मां के पेट में 9 महीने, मुस्लिम भी मां के पेट में 9 महीने, बालक भी मां के पेट में 9 महीने और बालिका भी मां के पेट में 9 महीने। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? जोर से बोलिए जरा। ब्राह्मण भी मां के पेट में 9 महीने, क्षत्रिय भी मां के पेट में 9 महीने, वैश्य भी मां के पेट में 9 महीने, दलित भी मां के पेट में 9 महीने, आदिवासी भी मां के पेट में 9 महीने। ऊपर वाले ने भेदभाव किया क्या? इसका मतलब भेदभाव ऊपर वाला नहीं करता, भेदभाव ऊपर वाले को मानने वाले नीचे वाले कर रहे हैं। और जो लोग भेदभाव कर रहे हैं इसका मतलब वो पाखंडी है। ऊपर वाले को कह रहे हैं मैं मानता भी हूं और भेदभाव भी कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाला भेदभाव नहीं कर रहा, वो खुद भेदभाव कर रहे हैं, ये पाखंड हुआ कि नहीं? अरे ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो किसी को 8 महीने रखता, किसी को 9 महीने रखता, किसी को 10 महीने रखता, अगड़े पिछड़े के आधार पर रख देता, दलित बनाम सवर्ण के आधार पर कोई 8 महीने कोई 9 महीने कर देता, हिंदू मुस्लिम के आधार पर किसी को 10 महीने किसी को 9 महीने कर देता। ये भेदभाव के जितने नियम कानून हैं, ये भेदभाव की जितनी नीतियां हैं, ये भेदभाव की जितनी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, ये ऊपर वाले की नहीं बल्कि नीचे वाले की। इसलिए अगर किसी किताब में महिला पुरुष के बीच में भेदभाव दिखा जा लिखा हुआ है तो याद रखिए वो धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि अधार्मिक पुस्तक है। तो धार्मिक कैसे हो सकती है? अगर किसी किताब में लिखा हुआ है ये अधिकार इसको है, ये इसको अधिकार नहीं है, इसका मतलब वो किताब ऊपर वाले ने नहीं लिखी है, लिखा नीचे वालों ने है, दुकान चला रहे हैं ऊपर वाले के नाम पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बहुत सारी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने 3 तलाक चैलेंज किया कि 3 तलाक खत्म किया जाए, तो जो जवाब आया कि नहीं साहब 3 तलाक खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों? ये पुरुष तो दे सकते हैं महिला नहीं दे सकती। क्यों? कोर्ट ने पूछा क्यों, क्योंकि बोला महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कह रहे हैं पुरुष तलाक इसलिए दे सकता है उसके पास दिमाग ज्यादा होता है, महिला इसलिए नहीं दे सकती उसके पास दिमाग कम होता है। मैंने 4 शादी चैलेंज किया, हमने कहा अगर भाई भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, तो या तो ये एक पति एक पत्नी वाला नियम लागू करो, और नहीं तो जैसे पुरुषों को 4 शादी का अधिकार है तो महिला को भी 4 पति रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो और वो मामला भी 5 जजों की बेंच के सामने है, वो मामला 5 जजों की बेंच के सामने है, भी अभी फाइनल उसमें सुनवाई नहीं हुई। बोले नहीं नहीं, पुरुष तो 4 रख सकता है, महिला 4 कैसे रखेगी, ये हमारे किताब में लिखा हुआ है। हमने तुम्हारे किताब में लिखा है वो कहां है? बोले किताब ऊपर वाले की है। हमने कहा ऊपर वाला तो भेदभाव करता नहीं, हो तो 9-9 महीने दोनों को पेट में रखता है। इसका मतलब ये तुम्हारी किताब, जिस किताब का तुम हवाला दे रहे हो कि ये ऊपर वाले ने लिखी, ये ऊपर वाले ने नहीं नीचे वाले ने लिखी है। भारत